नमस्कार, एएनआई सबरंग में आपका स्वागत है। मैं केएन गुप्ता आज आपको कुछ ऐसे रहस्यों से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो किंवदंतियाँ, वो रहस्य जिनके बारे में लोग शायद नहीं जानते हैं। ये रहस्य हमारे और आपसे जुड़ा हुआ, हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की कहानियों को लेकर, पुनर्जन्म से जुड़े हुए रहस्यों को लेकर, और आत्मा कितनी अजर अमर है और आत्मा से क्या जुड़े रहस्य हैं, इन सबसे पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इन रहस्यों से कैसे पर्दा उठता है और इन सब चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें आगे होती हैं आम मनुष्य के जीवन में। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऋचा सुमन व्यास जी। ऋचा जी नमस्कार, ईएनआई में स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि पुनर्जन्म की जो थ्योरी चलती है उसमें क्या और कैसे चीज़ें होती हैं। सो अगर आप पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं तो पुनर्जन्म उन लोगों से साबित होता है जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्पॉन्टेनियसली अपना पूर्व जन्म याद आ जाता है और ये उनका पुनर्जन्म है और वो इस जन्म में वो सारी वो कहानियाँ बताते हैं, किससे बताते हैं कि वो कहाँ रहते थे, क्या उनका परिवार था। और जाके जब आप चेक करेंगे ऐसी कई कहानियाँ हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं। वेस्ट के एक रेमन मूडी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया है। एंड कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च करके कई सारी बुक्स लिखी हैं, आर्टिकल लिखे हैं। सो पुनर्जन्म होता है। और अगर आज हम बात करें तो पूर्व जन्म को हम एक थेरेपी की तरह यूज़ कर सकते हैं। सम्मोहन के द्वारा आपको पूर्व जन्म में ले जाया जा सकता है एंड आपके पूर्व जन्म में क्या हुआ था, क्या वो वजह है जिसे जिसकी वजह से आपके इस जीवन में तकलीफ़ है, परेशानी है। और तकलीफ़ों की अगर हम बात करें तो वो कैसी भी तकलीफ़ हो सकती है। आप तो ये पूर्व जन्म से जुड़ी हुई जो आपने अभी कहा कि हम थेरेपी के माध्यम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस थेरेपी में किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में हम लोगों को काफ़ी चीज़ें नहीं ध्यान होती हैं, तो हिप्नोटाइज करके इन सब चीज़ों को कैसे किया जा सकता है। सो इसे हम सम्मोहन चिकित्सा कहते हैं, जिसे हम हिप्नोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिप्नोथेरेपी के थ्रू या सम्मोहन चिकित्सा के थ्रू आपको उस अवस्था में ले जाया जाता है कि जहां आप अपने पूर्व जन्म की कहानियां जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, वहां पे ये कहानियां स्टोर्ड होती हैं। सो वहां से, क्योंकि आपका अवचेतन मन सब कुछ अभी तक स्टोर करता आ रहा है, सब कुछ वहां पे है, जितने भी आपने जीवन पहले जिए हैं, आपके जीवन में क्या क्या हुआ है, आपके बचपन की बातें और आपके पूर्व जन्म की बातें सब कुछ वहां स्टोर होती हैं। सो जब हम, जैसे अगर आप मेरे पास समस्या लेके आते हैं कि मेरे सगे भाई से मेरी नहीं बनती है और वे मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, और आप ये सोच के परेशान हैं कि मेरा सगा भाई होके मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तो हम ये मानते हैं कि जो आत्माएं होती हैं वो समूह में जन्म लेती हैं। तो आपका भाई आपके पूर्व जन्म में आपका करीबी रिश्तेदार रहा होगा, भाई रहा होगा, या कोई और रिश्तेदार या पड़ोसी, और कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी यादें उसके अवचेतन मन में हैं और वो इस लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। तो जब हम पूर्व जन्म में जाते हैं और ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, हम उसकी थेरेपी करते हैं, उस थेरेपी के बाद आप नोटिस करते हैं पॉजिटिव चेंजेस अपनी प्रेजेंट लाइफ में। अच्छा, जैसे कभी देखा जाता है कि कुछ लोग, आम अवधारणा भी होता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है, तो कहते हैं कि वो लोग, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वो भटकती रहती हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है और इन सब चीज़ों का पूर्व जन्म से भी कुछ वास्ता है? ये सच है। मैं कहना चाहूँगी कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है, हालांकि अकाल मृत्यु नहीं होती, हम उसे कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम खुद डिसाइड करके आते हैं कि हमें कितने साल जीना है। तो अगर किसी का 15 साल में एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, या किसी का 34 साल में किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है, वो अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर गया है, 34 साल का आदमी है, उसकी अचानक डेथ हो गई और हम कह रहे हैं कि अकाल मृत्यु है क्योंकि असमय हुई है, बट वो असमय नहीं होती है। कहीं ना कहीं वो खुद ये निर्णय लेके आता है कि मुझे 34 साल तक ही जीना है और जो मुझे उस लाइफ में सीखना है वो मैं 34 साल में सीख जाऊंगा, और मेरे बीवी बच्चों को मेरे बिना कैसे गुजारा करना है ये उनको सीखना है। सो ये सोल लेवल पे सब कुछ डिसाइडेड होता है। और लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं, वो सारी मेमोरी इरेज कर दी जाती हैं, तो जब किसी का अकाल मृत्यु होती है, अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको, आत्मा को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि अब वो शरीर छोड़ चुकी है, क्योंकि आपका दिमाग में सारे लॉजिक होते हैं, आपका दिमाग शरीर के साथ चला गया तो सारे लॉजिक उसके साथ चले गए, तो आपको नहीं समझ में आता कि अब आप मर चुके हो, आप खाली एक आत्मा हो। तो आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हो एंड अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हो, आप अपने घर वालों के लिए परेशान होते हो, अपने घर वालों के आसपास घूमते रहते हो। इस पे एक सवाल ये आता है कि जैसे हम कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है,
आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन जब व्यक्ति का शरीर शांत हो जाता है, वो मर जाता है जैसे कहते हैं डायरेक्टली भाषा में, तो उसको मरने के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा का जो रहस्य है वो मिस्ट्री आज भी बरकरार है, लोगों में जिज्ञासा रहती है कि आत्मा कहाँ जाती है, तो इन सब चीज़ों पर क्या? इसके बारे में कहना चाहूँगी कि अगर आप YouTube पे सर्च करें या किताबें पढ़ने का आपको शौक है, माइकल न्यूटन जो कि वेस्ट के एक हिप्नोथेरेपिस्ट है, काफ़ी वेल नोन हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है इस पर कि आपने ये जीवन छोड़ा उसके बाद आपकी आत्मा कहाँ गई और अगला जीवन लेने के पहले वो उसने कहाँ टाइम बिताया, उसने क्या किया। तो ये भी रिग्रेशन के थ्रू, हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम आपको उस टाइम में ले जा सकते हैं कि एक शरीर छोड़ने के बाद आप कहाँ गए और आपने क्या किया और जब आप इस जन्म में आए तो आप क्या वो सारे लाइफ लेसन्स लेके आए हैं, वो सारी अपना लाइफ प्लान लेके आए हैं जो आपको इस लाइफ में करना है। जो भारतीय संस्कृति है उन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं हम इस थेरेपी के माध्यम से अपने वर्तमान जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं, उनको जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, पास्ट लाइफ थेरेपी का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है जिसे हम पास्ट लाइफ थेरेपी कहते हैं कि आपको सिर्फ पूर्व जन्म में ले जाना, सिर्फ शौक के लिए नहीं जाते हैं लोग बाग, हालांकि कई लोग कई ऐसी रिक्वेस्ट भी आती हैं कि हमें सिर्फ देखना चाह हम सिर्फ देखना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है। जब कोई समस्या नहीं है तो मैं उनको बोलती हूँ आप क्यों देखना चाहते हैं, बट अगर आपकी सच में कोई समस्या है और आप पास्ट लाइफ में जाते हैं तो आपको उस समस्या का निवारण मिल जाएगा, तो ये एक थेरेपी की तरह यूज़ होता है। तो जिस प्रकार आपने देखा और सुना कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं जो हमारे से खामियां हुई हैं उन सब चीज़ों को इस जन्म में हम सुधार सकते हैं और अपना ये जन्म हम बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों को आसान बना सकते हैं, और आत्मा के रहस्य से भी इस वार्ता में हमारे जो सुमन जी ने बताया, ऋचा सुमन जी ने बताया कि आत्मा के साथ क्या होता है जब शरीर शांत हो जाता है। अगर आप भी कोई मन में सवाल रखते हैं, ऋचा जी से पूछना चाहते हैं, तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में ऋचा जी से अपना सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू जी। आप तैयार हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? मुझे आपकी इजाज़त है हिप्नोथेरेपी करने के लिए। ठीक है, सो आंखें बंद कीजिए एंड आंखें बंद करके 2-3 गहरी सांसें लीजिए। आपको सोचना है कि आपके आसपास की सारी पॉजिटिव एनर्जी आप अंदर ले रहे हो और जब आप सांस छोड़ोगे तो आपको इमेजिन करना है कि आपके अंदर की सारी परेशानियाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी चिंता फिक्र, सारी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से बाहर निकल रही है। सो आप सोचिए कि आप सारी पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रहे हैं और सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से बाहर जा रही है। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से बाहर जा चुकी है, आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर एकदम हल्का होता जा रहा है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मेरी आवाज़ के अलावा जो भी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी वो आपको मदद करेंगी और भी ज़्यादा गहराई में जाके रिलैक्स करने में। आपको मेरी बात सुनना है, मेरी बात पे ध्यान देना है और जो मैं बोल रही हूँ उसे फॉलो करना है। जितनी ज़्यादा आप गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा आप रिलैक्स करेंगे और जितना ज़्यादा आप रिलैक्स करेंगे आप उतनी गहराई में जाते जाएंगे। अब मैं धीरे धीरे आपको समय में पीछे लेके जाऊंगी। आप महसूस करेंगे कि आप अपने बचपन की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको टाइम में पीछे जाना है। 5 से 0 तक उल्टी गिनती गिनूंगी और हर गिनती आपको और भी ज़्यादा गहराई में जाने में मदद करेगी और आप महसूस करेंगे आप टाइम में पीछे जा रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0 डीप स्लीप। आप टाइम में पीछे जाते जा रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे वापस अपने बचपन में पहुंच गए हैं। अब जब मैं आपसे पूछूंगी आप अपने आप को कितना बड़ा महसूस कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं आप मुझे बता पाएंगे। कहाँ पे हैं अभी आप? अपने आसपास की जगह को देखिए। गार्डन में हैं, ठीक है। और आपके आसपास क्या है? कोई और भी लोग हैं? बटरफ्लाई,
अपने आप को देखिए, कितना बड़ा महसूस कर रहे हैं अभी अपने आप को। बचपन ही है। कितनी उम्र रही होगी अगर आप मुझे बता पाए तो? 8 साल 9 साल। ओके, अब आप अपने तरफ देखिए, आपने किस कलर के कपड़े पहने हैं? लाइनिंग की टी शर्ट है। पैंट है। किस कलर की है? ब्लैक कलर की है। पैरों की तरफ देखिए, आपने शूज पहने हैं या सैंडल पहने हैं? स्लीपर्स पहने हैं। ओके, सो आप अभी गार्डन में हैं, आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं, आपने स्लीपर्स पहनी हुई है, आपकी उम्र करीब 8 से 9 साल है, लाइनिंग वाली टी शर्ट, ब्लैक पैंट। अब देखिए कि आप क्या कर रहे हैं गार्डन में? खेल रहे हैं। क्या आपके दोस्त भी हैं आपके आसपास? घर के बाहर ही गार्डन है, पास के बच्चे हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं इस समय आप, जब आप खेल रहे हैं? शाम का समय है। फुटबॉल खेल रहे हैं। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अब मैं 3 से 1 तक गिनूंगी, आप समय में थोड़ा और पीछे जाएंगे, 8 से 9 साल की उम्र से और भी पहले का समय आपको दिखाई देगा। 3, 2 और 1। अब आप अपने जीवन में और भी पीछे की तरफ जा चुके हैं और आप अपने आप को एक छोटा बच्चा देख पा रहे हैं। कहाँ हैं अभी आप? घर में हैं। और कितने बड़े हैं देखिए अपने आप को, क्या उम्र रही होगी इस समय? 3-4 साल। ओके, आप अभी घर के अंदर हैं और जहाँ पर भी हैं आप देखिए कैसा कमरा है, दीवारों का कलर कैसा है? पीला है। ओके, और क्या क्या सामान है कमरे में? ट्यूटर के आने का टाइम। ओके, पढ़ाएंगे, ट्यूटर आने वाले हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपकी पढ़ाई शुरू होने वाली है, कैसा लग रहा है ये सोचकर? इंतज़ार रहता था। ओके, वेरी गुड। अब मैं 3 से 1 तक दोबारा से उल्टी गिनती गिनूंगी और आप महसूस करेंगे अपने बचपन में और भी दादी जी की गोदी में। दादी जी ने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? वाइट साड़ी पहनी है। और आपकी क्या उम्र होगी अभी? 1 साल। कैसा लग रहा है दादी जी की गोदी में? खिला रहे हैं वो, चबाने लग गए चीज़ों से बहला रही हैं। ओके, वेरी गुड। अब ये सारी सुखद यादें समेट कर आपको वापस अपनी प्रेजेंट लाइफ में आना है, प्रेजेंट उम्र में आना है। ये सारी सुखद मेमोरीज, पॉजिटिव मेमोरीज जो आपके बचपन की हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस की हैं, उन सब को लेकर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में आने के लिए तैयार हैं। उसके पहले मैं वापस ज़ीरो और डीप स्लीप शब्द का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जब भी मैं ज़ीरो और डीप स्लीप का इस्तेमाल करूंगी आप इसी गहरी अवस्था में आसानी से जा पाएंगे। ज़ीरो, डीप स्लीप। अब मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगी, 5 पे आपको आंखें खोलनी है। 1 पर आप महसूस करेंगे थोड़ा ऊपर आते हुए और हल्का महसूस करते हुए। 2, थोड़ा और ऊपर आइए और महसूस कीजिए आपके आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए। 3, और ऊपर आते हुए। 4, आप पूरी तरह से अवेयर हैं अपने आसपास के वातावरण से। और 5, अब आप अपनी आँखें खोल सकते हैं।